हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे फादर ऑफ सेफ्टी। फादर ऑफ सेफ्टी कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे अब इस वीडियो में। चलो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देखो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, इनका नाम हम लोग को सब पता है। इनका नाम हर दिन हर जगह पे हम लोग जो भी सेफ्टी प्रोफेशनल है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इनके बारे में कुछ बायोग्राफी। तो इनका नाम जो है हेनरिच बोलते हैं। आप लोग को आइडिया है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हेनरिच इनके बारे में 2 वर्ष हर सेफ्टी ऑफिसर को जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, इन्होंने 1886 में अमेरिका में जन्म लिए थे। 1962 में ये अमेरिका में डेड हुए थे। तो इन्होंने एक प्रोफेसर थे, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे, इंजीनियरिंग एंड इंस्पेक्शन डिवीजन से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने क्या किया था, ये हम लोग सबको बहुत ज़रूरी है। जो इन्होंने, जैसा कि इस पिक्चर में, अभी मैं एक पिक्चर आपको दिखाता हूँ, इस पिक्चर में देखने से आपको इजी से आइडिया आ जाएगा। तो अभी इस पिक्चर को आप देखिए। तो हेनरिच, इन्होंने 1931 में एक बुक निकाले थे। तो इसमें ये एक्सीडेंट के बारे में कुछ बताए थे। तो एक ये इन्वेस्टिगेशन मतलब जो किए थे, तो इसमें जो 300 कोई ना कोई छोटा मोटा नियर मिसेस या कोई एक्सीडेंट हो जाती तो उसमें कोई भी लास्ट नहीं, ऐसा वाले 30 होते थे। तो उसमें से 29 एक्सीडेंट हुए। तो फॉर एवरी एक्सीडेंट, हर एक एक्सीडेंट के पीछे बहुत सारे अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट होते बोल के ये फिजिकली इन्वेस्टिगेशन मतलब करके इस लॉ को ये बनाए थे। तो या आपको एक अभी क्लियर व्यू अभी दिखता, देखो। तो हेनरिच ने एक्चुअली एक इंश्योरेंस कंपनी से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने उनका जो इन्वेस्टिगेशन यानी जो भी एक्सीडेंट रिलेटेड उसमें है, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेट किया था। तो अनसेफ एक्ट्स, बिहेवियर्स या अनसेफ कंडीशंस अगर 3000 अगर जब होते तो उसमें से 300 नियर मिस होते थे। तो उसमें से 29 जो है जो माइनर इंजुरीज होते थे, लेकिन ये सबको हम लोग अंदाज करने से डेफिनेटली एक्सीडेंट होती थी। तो ये सब एक एक्सीडेंट होने के पीछे होते थे बोल के उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन करके बताए थे। ये साइंटिफिक रीज़न से बताए थे, ऐसा नहीं कि नॉर्मल में अंदाज में नहीं बताए थे। एक सर्वे किए थे, सर्वे का मुताबिक ये इन्होंने बताए थे। आपको अभी आइडिया आ गया होगा। तो हर कोई रिस्क असेसमेंट यानी जो भी कुछ करता तो ये हेनरिच थ्योरी को एक बेस्ड करके इन्होंने करते। तो इसलिए हम लोग इनको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो और एक पिक्चर अभी मैं आपको बताता हूँ और देखो, आपको और क्लियर अंडरस्टैंड होगा। तो हर कोई एक्सीडेंट जब होता, एक एनालिसिस में ये 75,000 एक्सीडेंट्स को बेस करके हेनरिच ने एक थ्योरी बनाए थे। एक नहीं, दो नहीं, 75,000 एक्सीडेंट्स का बेस करके इन लोग ने एक इंश्योरेंस कंपनी से बिलोंग करते। तो इन लोग रूट कॉज अगर पता करने का मुताबिक ये बनाए थे। तो उसमें से इनको फैक्ट्स पता चले थे कि जो 88% जो एक्सीडेंट होते हैं वो सिर्फ अनसेफ एक्ट मीन्स बिहेवियर मतलब आदमी को जो अंदाज नज़रअंदाज करने से हो रहे थे। तो 10% जो है वो यानी फिजिकल यानी मैकेनिकल, जो भी फिजिकली या गार्ड नहीं है या कोई मशीनरी का जो है फेल्यूर, ऐसा होते थे। तो यहाँ पे एक चीज़ को हम लोग ध्यान देने का कि जो 2% है, सो 88 and 10 तो हो गया 98 हो गया। तो और जो 2% है वो नेचुरल डिजास्टर्स मतलब कि जो कोई भूकंप आ गया यानी अर्थक्वेक बोलते हैं वो आ गया, बाढ़ आ गया, तो ये जो नेचुरल है। बाकी हर कोई एक्सीडेंट के पीछे एक कारण होते थे, इन्होंने क्लियर से इस थ्योरी में बताए थे। तो इसका बेस करके हम लोग करते थे। तो हम लोग को एक ही एक ऑप्शन है कि जो मास्टर ऑफ सेफ्टी ने यानी जो सेफ्टी फादर इनको बोलते हैं, तो इन्होंने जो बताए थे थ्योरी ये आज भी चल रही है। इस थ्योरी को
कुछ रिवाइज किया गया जो 930 में जब ये इन्होंने बनाए थे, तो उसके बाद कुछ बनाया गया वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए। तो आप लोग को एक छोटा जानकारी आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू।